का आज बंगाल का दौरा है। सुबह गोरखपुर से बंगाल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा वीरभद्र में बताया जा रहा है कि जनसभा को वो संबोधित करेंगे, तो वीरभूम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे। आसनसोल लोकसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और आज वो बंगाल जाएंगे। बताया जा रहा है कि वहां पर वीरभूम में सीएम की जनसभा होगी, वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे आज। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और आज वो बंगाल के दौरे पर रहेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ कार्यक्रम हैं, यानी तमाम जगहों पर वो रैलियां, रोड शो प्रत्याशियों के समर्थन में करते हुए नजर आए। और जब भी देखिए, देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी जनसभा, रैली या रोड शो में पहुंचते हैं तो वहां पर अपार भीड़ होती है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और उसी के साथ साथ वहां के रहने वाले आम नागरिकों की, सभी लोग एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। कल भी देखिए, लखनऊ में एक बड़ा रोड शो हुआ था राजनाथ सिंह के नामांकन में, उसमें भी भारी भीड़ जुटी थी। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल में वो तीन लोकसभा की अगर बात करी जाए, बहरामपुर की बात करी जाए और उसी के साथ साथ अगर हम आसनसोल की बात करते हैं और एक है वीरभूम, यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जनसभा करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे और उसी के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को बताने का काम करेंगे। सभी को पता है कि देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हावी रहती और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम है, इसको बेहद ही कड़ा माना जा रहा है कि वहां के वोटर्स को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करना है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वहां पर उनको देखे कितना लाभ मिला और उसी के साथ साथ विपक्ष जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे पर घेर रहा हो, चाहे वो संविधान के मुद्दे पर घेर रहा हो, क्योंकि सभी ने देखा है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम लोगों के एडिटेड वीडियो जो है उसको प्रसारित किया गया, इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आरक्षण को तो बाबा साहेब खत्म नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चीज है। तो विपक्ष देखिए लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को संविधान के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, तमाम और जो अन्य मुद्दे हैं उस पर घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पूरी रणनीति के साथ लगी हुई है कि किस तरीके से विपक्ष को घेरा जाए, वो चाहे प्रत्याशी उतारने को लेकर विपक्ष की एक कमजोर रणनीति हो, चाहे सीट बदले लेने जाने को, टिकट दिए जाने के बाद वापस लिए जाने को लेकर, और उसी के साथ साथ राम मंदिर का न्योता ठुकराने को लेकर विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी आड़े हाथ ले रहा है कि आज इनको भगवान राम की याद आ रही है। कांग्रेस ने एक बार अदालत में एफिडेविट देकर राम के अस्तित्व को नकारने से इनकार कर दिया था। समाजवादी पार्टी सरकार जो है वो अभी तक किस तरीके से वहां को लेकर बातें करती थी, अखिलेश यादव वहां पर दर्शन करें, तो तमाम देखिए ऐसे मुद्दे हैं जिनको आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तीनों लोकसभा में उठाएंगे, वहां के वोटर्स को बताने का प्रयास करेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो तमाम राज्यों की अगर बात करी जाए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अगर हम बात करते हैं जहां पर भी देखिए उनका प्रभाव है, वहां पर किस तरीके से बदलाव आया है और उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं से ममता बनर्जी का देखिए जो किला है उसको ढहाने का प्रयास, वहां के जो वोटर्स हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने का प्रयास, ऐसे तमाम प्रयासों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुखर हैं और उनकी तमाम रैलियों में आप कोई भी रैली उठाकर देख लीजिए, कानून व्यवस्था का मुद्दा होगा, माफियाओं को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, मुफ्त आवास, मुफ्त राशन, महिलाओं को किस तरीके से सिलेंडर योजना का लाभ दिया गया, किस तरीके से फ्री बिजली कनेक्शन बांटे गए, किसानों को किस तरीके से सम्मान निधि दी जा रही है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में है और आज आसनसोल है, बीरभूम है, बहरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हजारों लोग पहुंचेंगे, वहां पर तमाम तरीके के देखिए व्यापक इंतजाम किए गए और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि ममता बनर्जी किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम वहां पे सीएए को लागू ही नहीं होने देंगे, जबकि सरकार की तरफ से इसको लागू किया गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।